व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कर्व ब्रिज, दिख रहा है क्या? ये फॉर्मूला किसके लिए पता है क्या? वो फ्लाईओवर के लिए, कर्व ब्रिज का। वो स्पीयर ऑफ डेथ पता है क्या? पढ़ा है क्या किसी में? थ्योरी पढ़ा है उसका? अरे ओ नहीं, कहीं तो बोला नहीं। वो अपन मोदक अलग लास्ट आर्टिकल नहीं पढ़े थे क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के पहले? बस उसी के समान है। वहां पे वो सर्कुलर ट्रैक था ना, यहाँ पे स्पीयर जैसा है। देखो थ्योरी है पूरा। दिस इज अ पॉपुलर शोइंग सर्कल ड्यूरिंग दिस टू व्हीलर राइड अंडर गो राउंड इनसाइड द हॉलो स्पीयर। तुम्हें पायलट का त्या इंस्टार वगैरह रील्स रहते, ऐसे गोल बॉल रहते, ट्रांसपेरेंट करके मार से चलते है ना, देखा क्या? ऐसा बलून जैसे रहता सेम। तो सर्कस में वगैरह रहते ऐसे बड़े बड़े स्पीयर रहते और उसके अंदर वो बाइक राइडर जो रहते हैं वो गाड़ी चलाते, ठीक है? सेम थिंग इज देयर। और वहां पे एक नहीं रहते, दो दो तीन तीन लोग घूमते रहते, समझ में आया क्या? ओके, they eventually perform a revolution along the vertical circle. The dynamics of this vertical circular motion is the same as that of the point mass tied to string. Expect that the force due to tension T is replaced by the normal reaction, force M. अभी तुमको बता, जैसे अभी मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो obviously मेरा mg नीचे act हो रहा है, normal reaction ऊपर act हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ से move करना start कर दिया तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू वॉक, गेटिंग माय पॉइंट? अभी वो स्फेरिकल है तो उसका जो, जैसे बाइक का नॉर्मली वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, तो समझ लो ये पूरा स्पीयर, अरे हाँ सर्कल वाटे थे ना तुम्हारा, स्पीयर है पूरा, समझ रहा था? ये पूरा स्पीयर और गाड़ी नीचे है वो, समझ लो यहाँ से ऐसा ऊपर जाने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो ये पोजिशन पे तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, उसको टेंशन बैलेंस करेंगे, नहीं समझा? टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स। ओके, इफ यू हैव सीन दैट दिस शो, ट्राई टू विजुलाइज द, इनिशियली देयर आर नियरली हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, द लीनियर स्पीड इज मोर फॉर लार्ज सर्कल बट एंगुलर स्पीड इज मोर फॉर अ स्मॉल सर्कल, दिस इज पर द थ्योरी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो स्पीयर भी है, अगर रोज पेयर में पहले बोला, अगर तुम वो शो देख रहे हो या देख लिया है तो उसको विजुअलाइज करो सर्कुलर मोशन के हिसाब से, तो मुझे बताओ, जैसे अगर वो स्पीयर भी है पूरा और घूम रहा है तो सर्कल ही हो गया नहीं? तो वो लोग ना ऐसे घूमते ना, तो ऐसे घूमते स्पीयर के अंदर, गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ऐसे घूमना चाहोगे तो कौन सा सर्कल हो गया? हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल कौन बनाता है? कोनिकल पेंडुलम। हॉरिजॉन्टल सर्कल कौन बनाता है? कोनिकल पेंडुलम ना, तो उसने वही बोला कोनिकल पेंडुलम है। और उसने उसके बाद किसका स्पीड कम रहेगा बोलते, लीनियर का ज्यादा रहेगा, एंगुलर का कम रहेगा। देखो द लीनियर स्पीड इज मोर फॉर लार्ज सर्कल बट द एंगुलर स्पीड इज, सॉरी, दिस लीनियर स्पीड इज मोर फॉर लार्जर सर्कल बट एंगुलर स्पीड इज मोर फॉर अ स्मॉलर सर्कल। ये एमसीक्यू है। इन अ स्फीयर ऑफ डेथ the linear speed is more for large circle but angular speed is more for a smaller circle. जितना छोटा होगा तो obvious है angular curve ज़्यादा रहेगा ना, और जितना बड़ा रहेगा उसका circle उतना बड़ा रहेगा, getting my point? फिर समझ रहे हो क्या? या लोकर इधर जगह बैठना, हो गया? Now moving towards the next article, vehicle at the top of the convex overbridge. ओके, अभी है ना एक कर्व ब्रिज का कंसेप्ट ऐसा है, जितने भी फ्लाईओवर्स है ना उसकी बात कर रहे हो, जितने भी फ्लाईओवर्स है। अभी देखना,
कुछ कुछ फ्लाईओवर है ना, अगर जल्दी एंड हो रहे, छोटा फ्लाईओवर है, मोटा नहीं, छोटा सा फ्लाईओवर है, तो ना उसका कर, और अगर कुछ बड़े फ्लाईओवर है जैसे थे नागपुर का सर पहला फ्लाईओवर आदिवासी गुवारी पता है क्या, बर्डी वाला जो जीरो माइल पे उतरता है और उधर वो जाता है वर्धा रोड पे अजनी के आसपास उतरता है, ठीक है, अगर उसको देखोगे ना तो बीच पे स्ट्रेट है वो, गेटिंग माय पॉइंट, बट अगर कर ब्रिज है नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल सरफेस तुम्हारा और ऐसा कर है, ठीक है, और व्हीकल यहां पे, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसका एमजी, ठीक है, अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करो, उसने डायरेक्शन दिया है क्या कुछ, हाँ दिया, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो घूमने के लिए क्या लगता ऑब्वियस है एमवी स्क्वायर अपॉन आर आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स का, उसके साथ अपने उसको कंपेयर नहीं करना है फ्रिक्शनल फोर्स के साथ, गेटिंग माय पॉइंट, अभी ये दोनों का डायरेक्शन कैसा है एक मिनट को, अपोजिट, तो क्या ना राइट एन माइनस एम इज इक्वल टू एफ सी पी, बराबर है ना, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अब मुझे बताओ अगर ये सामने मुंह हो रहा है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना चाहिए, अरे मैं इधर आओ और माजा नॉर्मल रिएक्शन सब वर्ती है तो मैं बैलेंस हूं ना, अभी हिल कर रहा हूं, बराबर ना, अगर मैं मुंह होना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन वहां पे अनबैलेंस हो गया एमजी के साथ, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू, एक इंटरेस्टिंग बात बताओगे नॉर्मल रिएक्शन की, क्या नॉर्मल रिएक्शन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना वेट रहता है ना ऑब्जेक्ट का उतना ही उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है, अगर तुम उसके वेट इतना फोर्स, वेट इज नथिंग बट द एमजी, नथिंग बट द फोर्स, गेटिंग माय पॉइंट, अगर तुम उसके वेट इतना फोर्स अगर अप्लाई करोगे, वेट इतना फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो ही नॉर्मल रिएक्शन अनबैलेंस होगा, एक एग्जांपल देता हूं, बस समझ के चलो, एक बाइक, ठीक है, वो बाइक के ऊपर भी एमजी एक्ट हो रहा है, नीचे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट हो रहा, अगर वो बाइक को तुम धक्का दोगे तो बाइक मूव होगा ना, हिलेगा थोड़ा सा, पड़े ना थी ना, गिरा नहीं रहे अपन उसको, सिर्फ वी आर गोइंग टू टिल्ट दैट, वी आर ट्राइंग टू मूव दैट बाइक ओनली, मैं स्टैंड से नहीं निकलना है, ऐसा गाड़ी खड़ा है और तुम उसको साइड से लैटरल फोर्स लगा रहे हो कि वो गाड़ी ऐसा उधर झुके, है ना, तो तुमने उसको फोर्स लगा, व्हाट इट मींस दैट नॉर्मल रिएक्शन गेट अनबैलेंस, एक काम करती मोटी सेलो टेप है ना जो ब्रॉड वाले दांत है, ये लाउंज भी अच्छा सा है, एक्चुअली तेरा मगर निकलने तो कारण ही है कि यार जॉब तक डस्ट है तो दोनों फंस गए, तो जब मैं निकल तो अभी बाइक थी तो बाइक का जितना वेट है उतना उसका नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, अभी तुम्हारे पास इतना फोर्स है, तुम्हें उतना ताकत है कि तुम बाइक के वेट इतना फोर्स लगा रहे हो, अभी बाइक की जगह कार है, आएगा फोर्स थोड़ा नहीं ना, तो तुम उसके वेट को हिला नहीं सकते वहां पे, तो नॉर्मल रिएक्शन वहां पे अनबैलेंस नहीं होगा, गेटिंग माय पॉइंट, तो यहाँ पे जो तुम सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते ना, ये हमेशा वो वेट एमजी से ज्यादा ही रहता है, इसलिए वो व्हीकल मूव होता है, उसके पीछे उसके अंदर का मैकेनिक्स, उसके अंदर का मोशन है ना, गाड़ी का स्पीड, वेलोसिटी, इंजन, ये सारे रोल भी प्ले करते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, क्या बंदा कर देगा, तो अगर तुम उसको वेट लगा रहे हो तो सॉरी फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स वेट से ज्यादा होना चाहिए तो ही वो नॉर्मल रिएक्शन अनबैलेंस होगा, एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर भी बहुत सारा टॉपिक है बट हम यहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, मेरे को ये कहना है कि ये गाड़ी मूव होगा कब होगा जब तुम उसको फोर्स लगाओगे और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए वो गाड़ी मूव होगा,
तो ऑब्वियस है जब उसका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तभी ये ऑब्जेक्ट मूव होगा। रीडिंग में पॉइंट, तो जब हियर उस थ्योरी है बुक में मैं अंडरलाइन करके देता हूँ वो लिखना पड़ेगा, और फिर लिखना पड़ेगा हियर n इज इक्वल टू जीरो देन mg माइनस then mg minus 0 is equal to mv square upon r. So if you solve it, mg is equal to mv square upon r. mm get? So rg is equal to v square. Therefore v is equal to under root rg. This is the velocity at top. अभी तुम vertical circular motion पढ़े ना? वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपने वेलोसिटी टॉप बॉटम एंड मिडवे की निकाला था ना, टॉप बॉटम एंड मिडवे निकाला था अपने वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट टॉप, वेलोसिटी एट बॉटम और वेलोसिटी मिडवे, वो आर्टिकल में हमारा जो टॉप का वेलोसिटी था वो यही था अंडर रूट आर जी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम ये सर्कल को कंप्लीट करते हो ऐसा तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही बोलता है, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूम रहा है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Is there any problem? Hard है क्या? वैसे बताने का भी जरूरत नहीं था, मैं ऐसे बोल दिया रहता कि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ही है और वो टॉप पे है, वो टॉप पे है, तो उसका वेलोसिटी इतना रहेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जब ऑब्जेक्ट है ना, अगर मैं ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोल रहा हूँ ठीक है, और ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो ये पॉइंट जो है तुम्हारा टॉप है, ये बॉटम है और ये मिडवे, यहाँ पे तो वेलोसिटी निकल ले तुमने, यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट आर जी, यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट फाइव आर जी, और यहाँ पे वेलोसिटी रूट थ्री आर जी। मजा कब आता है जब वो बोलता है यहाँ पे वेलोसिटी निकल, ये पढ़ा मैं ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो विदाउट कंपोनेंट ऑफ फॉर्मूला नहीं निकाल सकते ठीक है, क्योंकि जब घूम रहा है समझ लो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो समझ के चलो ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी ऐसा होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। है ना, तो फिर एंगल कौन सा कंपोनेंट क्या में, जहां पे तुम्हारा स्टेट खत्म होगा वहां से तुम्हारा एंट्रेंस स्टार्ट। एनसीईआरटी में भी सिर्फ डायग्राम से इसका सॉल्यूशन अभी मिटा दिया मैंने, तो मिटाने के बाद तेरे को याद आया ना, मिटाते समय याद नहीं है ओके, वहां पे है ना पेज नंबर 11 निकल निकाला, वहां पे वो फॉर्मूला लिखा है ना 10 v द स्पीड एट द अपर मोस्ट पॉइंट mg माइनस n इज इक्वल mv स्क्वायर अपॉन r, है ना, उसके नीचे का जो है ना वो लिखना पड़ेगा एज द स्पीड इज इंक्रीज n गोज ऑन डिक्रीजिंग, नॉर्मल रिएक्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ कांटेक्ट, द फॉर जस्ट मेंटेनिंग कांटेक्ट n इज इक्वल टू 0। फिर वहां से डिराइव करना, आज की तरह दोनों स्टेप्स का है, सही नहीं करता तो तुम्हारा हाँ गेटिंग माय पॉइंट नाउ लिसन, घर पे कर लेना हो क्या टेंशन, सी हियर द पोर्शन ऑफ सर्कुलर मोशन इज ओवर, एज आई टोल्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस मीन डे बिफोर यस्टरडे और बिफोर दैट, व्हाट आई टोल्ड दिस चैप्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर्स, दैट इज वन इज अ सर्कुलर मोशन, अनदर इज अ रोटेशनल मोशन, बट द हेडिंग ऑफ चैप्टर इज रोटेशनल डायनामिक्स, ऐसा बोला मैं। तो इसका ये बात है कि यहाँ पे ऑन दिस आर्टिकल योर सर्कुलर पोर्शन इज ओवर,
एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रोटेशनल मोशन. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन अ सर्कुलर मोशन वी डिस्कस सम आर्टिकल्स लाइक बैंकिंग ऑफ रोड. ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, दीज आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स. फोर मार्क्स क्वेश्चन मोस्टली. एनी टाइम एनी डे योर सरप्राइज टेस्ट विल बी कंडक्टेड. तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट कब भी हो सकता है. जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखना पड़ेगा. मैं बताऊंगा ऐसा कुछ नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? एट द एंड ऑफ दिस मंथ आई हैव टू कंडक्ट टू एग्जाम. आज का तारीख कितना है? 22 है ना, 22 है ना. तो एंड ऑफ द मंथ चैप्टर कंप्लीट होने के लिए जाएगा. बिफोर दैट एक सरप्राइज टेस्ट होगा क्लास टेस्ट में, क्लास में होगा. ठीक है, और एक होगा चैप्टर खत्म होते बराबर. ऐसा हो सकता है थ्योरी खत्म होने के बाद भी हो सकता है, न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद भी हो सकता है, बट एंड ऑफ द चैप्टर आई टू टेक. गेटिंग माय पॉइंट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ क्लोज योर बुक्स एंड पे अटेंशन. Before going to start the rotational motion, two to three things you must know. First is a rigid body. Second is the center of mass. Okay, rigid body, center of mass, and third is the axis of rotation. Third is the axis of rotation. These are things not included in your book actually. But you must know that for understanding, for better understanding rotational motion. Are you getting my point? तीन चीजें हैं जो तुमको आना ही चाहिए rotational motion पढ़ने से पहले. पहला है rigid body, दूसरा है center of mass और तीसरा axis of rotation. ठीक है, तो rigid body में बताया था इसके पहले. कहा बताया था? ये भी बताया था, properties of matter, solid की property. वहां पे इलास्टिसिटी चैप्टर था, तो इलास्टिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी मैं बताया था व्हाट इज द रिजिड बॉडी. और मैं बोला था ये चीज फिर से आएंगे, बोला रोटेशनल मोशन. तो क्या है रिजिड बॉडी? तुमच्या बाद माझ्या आजीच्या बाद जास्त फरक नाही, ते विसरून जात अशा गोष्टी. वय झालं ते का तुमचे झालं. What is rigid body? एक ना हमारे का तसं सांगणार आहे. आमचे सर होते ना बोलत होते असंच करत. अरे तुमच्या मेंदूला नारू झालाय का असे म्हणत होते. याद आते मेरे को कभी कभी. लिसन, अ बॉडी हुज ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज रिमेन अनचेंज अंडर द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज द रिजिड बॉडी. ऐसी बॉडी जिसको कोई एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद भी वो बॉडी का शेप एंड साइज एंड डायमेंशन चेंज नहीं होता, ऐसी बॉडी में रिजिड बॉडी. क्या बोला? बताया था क्या कभी? Yes. याद है क्या? Yes. ना तो मना सर यार, तुम्हें कभी सांगत नहीं, कहीं सांगत रहता, आज पहलंदा ऐसा ऐसा है क्या? Yes. अरे बताया क्या इसके पहले? A body whose geometrical shape and size remain unchanged under the action of any external force is known as the rigid body. ऐसा body जिसके ऊपर कोई external force लगाने के बाद भी
वो बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं होता, ऐसी बॉडी में रिजिड बॉडी। अभी फॉर एग्जांपल ले लो अर्थ, तो अर्थ है ना सन के अराउंड रोटेट हो रहा है, सॉरी खुद को रोटेट हो रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। सन के अराउंड रिवॉल्व होना मीन सर्कुलर मोशन, और खुद को रिवॉल्व होना रोटेशनल मोशन। तो हो क्या रहा है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑब्जर्व दैट सम प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, देयर पोर्शन देयर शेप गेट चेंज। चेंज मीन्स पहले सर्कल होता था चौकोन झाला, अशातला भाग नहीं फ्लॅटन हो गया, फ्लॅटन समजते ना, पोळ्या बनवता का कधी? नाही बनवत, तर पाहिलं असल ते कणकीचा उंडा बनवते ना, तसं पूर्ण गोल करते ते लोक, मग असा थोडासा प्रेस करते तर तो असा दबते, असा चपटा होते, तर सर्कल बिकम इलिप ओव्हल शेप बनते ना। तो प्लॅनेट आहे ना असे एकदम चपटे नाही झाले, बट ते ड्यू टू कंटिन्युअस सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्युगल फोर्स की वजह से ना उनका साइज, उसको बल्जिंग ऑफ अर्थ बोलते हैं, बल्जिंग ऑफ गेटिंग ऑफ है ना। तो होता क्या है, जैसे एक समझ के लोग को एक बलून है, ठीक है, उसके अंदर हवा पानी जो भी है और वो रोटेट हो रहा है, तो जब वो रोटेट होता है ना उसका शेप चेंज होता है, समझ में आ रहा है। तो डे टू डे लाइफ में अगर तुम एग्जांपल कंसीडर करोगे तो जो बॉडी रोटेट होता है ना, तो रोटेशन के टाइम पे उसका शेप चेंज होता है, थोड़ा बहुत नहीं पूरा पर थोड़ा बहुत शेप चेंज होता है, ठीक है। बट हम रोटेशनल मोशन में थ्रू आउट द चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो हम जो भी बॉडी लेंगे वो रहेगा रिजिड बॉडी, इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी। तो वो तुमको पता होना चाहिए इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी क्या होता है। म्हणजे जर पुस्तकात कधी रोटेशनल डायनॅमिक्स मध्ये किंवा फिजिक्सच्या पुस्तकात कधी तो वर्ड आला रिजिड बॉडी क्या है, तो ऐसा ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। मेरे को पता है आज बताने के बाद भी चार दिन के बाद नहीं याद रहेगा, अगर तुमसे वह माजा आज सुबह सर है ना। तो रिजिड बॉडी है ना ये थ्रू आउट द चैप्टर या अगले आने वाले कुछ चैप्टर से, जिसमें जब भी कुछ फिजिक्स में देखो साइंस की बात ऐसी है ना, हम कुछ भी जब प्रूफ करते हैं ना किसी के लिए या कोई चीज के लिए, हम वी आर कंसीडरिंग नॉर्मली आइडियल कंडीशंस, आइडियल बॉडी आइडियल कंडीशंस हम लेते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, अ बॉडी हुज ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज रिमेन अनचेंज अंडर द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स नोन एज अ रिजिड बॉडी, पहली बात होगी। फिर मैंने दूसरा क्या बोला, सेंटर ऑफ मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, लाकडाची स्टीलची प्लास्टिकची मारत नाही म्हणून फक्त अभी देखो ये स्केल है स्टील का, बराबर है, होमोजीनियस मीटर है ना, होमोजीनियस समझते ना, एक जैसा पूरा स्टील का है ना, आधा प्लास्टिक का आधा लोहे का ऐसा है क्या, है ना, एक जैसा मटेरियल है, एक जैसा यूनिफॉर्म है, सिर्फ इधर एक बीच में होल है इधर लास्ट में, बट ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर ये बॉडी को मैं बैलेंस करने जाऊंगा तो बराबर अभी 30 सेंटीमीटर का, तो 15 से 16 सेंटीमीटर के बीच में बैलेंस हो रहा है। मैं इसको है ना नीडल के टिप के ऊपर भी बैलेंस कर सकता हूं। अगर ये होमोजीनियस है एक जैसा है ना, तो आई कैन बैलेंस दिस स्केल ऑन द टिप ऑफ द नीडल आल्सो, समझ में आ रहा क्या। द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ बॉडी टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज नोन एज द रिजिड बॉडी, ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है मींस बैलेंस होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज द रिजिड, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। क्या बोल रहा हूं, ओके, अ पॉइंट एट व्हिच द होल मास ऑफ बॉडी टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है बैलेंस हो रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास।
अभी उसने सेंटर बोला तो ऐसा ऑब्वियस नहीं किया, 30 सेंटीमीटर का तो इसका सेंटर 15 के पास ही आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता, समझ के चलो ये रॉड है, ये पूरा स्टील का रॉड है, ठीक है, होमोजीनियस है, एक जैसा है। तो अगर इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है ना, तो बराबर यहां पे बीच में पांच सेंटीमीटर में यहां से इसका बॉडी ना बैलेंस होगा, ठीक है। बट अगर मैं कोई रॉड ले रहा हूं जो उसका साइज तो सेम है, बट उसका हाफ पोर्शन है ना एल्यूमिनियम का है और हाफ पोर्शन है ना आयरन का है या कॉपर का है या कोई अलग मटेरियल है, तो हमको पता है एल्यूमिनियम हल्का होता है आयरन से, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास है ना हेवियर पोर्शन की तरफ शिफ्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जिधर हेवी पोर्शन है उधर शिफ्ट होगा ना, तब जाके वो बैलेंस होगा वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ बॉडी इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर बोला तो हमेशा सेंटर में ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलूं ये कोई इरेगुलर शेप बॉडी है, ओके, और ये है ना स्पीयर है, ठीक है, तो ये स्पीयर का सेंटर ऑफ मास बराबर इसके सेंटर में ही रहेगा, बराबर है। बट अगर ये इरेगुलर शेप बॉडी है तो हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे भी हो। गेटिंग माय पॉइंट? हर एक बॉडी बैलेंस होता है, हर एक बॉडी बैलेंस होता है। तुम्हारे पास स्विच है टोकर में बैलेंस होता है, अरे विचार करके स्विच क्यों ठेवाची, अरे पाकी वाला से ठेवला था विन का बैलेंस ना हो ना, ना हो ना, चल एक्सपेरिमेंट करो। कहना है कोई भी रिजिड बॉडी या कोई भी इरेगुलर शेप और रेगुलर शेप बॉडी गेट बैलेंस at a particular point, that point is known as the center of mass. Getting my point? Then third concept tha axis of rotation. Kya hai? Abhi axis of rotation means kya hota hai? Axis of rotation means kya hota hai? A line along which body get rotated. Okay? So, agar main sphere consider karu yahi wala, to ye sphere agar rotate honga, तो उसके बीचों बीच से रोटेट हो सकता है, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा रोटेट नहीं कर सकते कि पॉइंट से मैं नहीं कर सकता, अरे कर नहीं सकते क्या? कर सकते ते आजूबा लोग कहने पंखे पाले का तुम्हें क्या, वो राजा लोग अगर बैठे रहते तो वहां पे दास लोग देखा क्या? एक्चुअली ऐसा रॉड रहता हो, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे वो ब्लेड रहता ऐसा कुछ, बराबर है ना। तो ये जब रोटेट होता है ना तो यहां से इसको रोटेट होता है, समझ लगा? तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। ये लोग अर्धात पंखा मारते, जब पूर्ण मारला त्यांना पण हवा लागेल, बट परमिशन आहे ना उनको। आजूबा लोक पूर्ण घुमतो गोल गोल असा देखा है क्या? देखा ना, तो वो है ना, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे आ गया? अभी बॉडी के एंड पे आ गया। अगर ये इरेगुलर शेप बॉडी है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी हो सकता है। हमें बॉडी को कहाँ से भी रोटेट कर सकते, ये रॉड इसका सेंटर ऑफ मास से भी रोटेट हो सकता है, इसको यहां से भी रोटेट कर सकते हैं। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन इट इज अ रियल एज वेल एज इमेजिनरी टर्म। क्या बोला? रियल और इमेजिनरी। क्यों रियल और इमेजिनरी? अभी ये सारे जो केसेस मैंने बताया, स्पीयर लिया, रॉड लिया, इरेगुलर शेप बॉडी लिया, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट है, ये पंखा लिया, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट है, बट अर्थ पहले का अर्थ मन एक रॉड गेला, अर्थ घूमत रहते
देखा क्या रे ये प्लैनेट घूम रहा है? नहीं मान तो नेपच्यून दिसला होता त्यामध्ये रॉड होता, त्या रॉड मध्ये घुमून राहिले. ऐसा है क्या, देखा है क्या कभी? नथिंग ना. सो बट दैट बॉडी इज रोटेटिंग ना, दिस बॉडी आर रोटेटिंग. इट मीन द एक्स ऑफ रोटेशन, इट मे बी रियल, इट मे बी इमेजिनरी टर्म. दैट एक्स ऑफ रोटेशन लाई इनसाइड द बॉडी, लाई एट द सेंटर ऑफ द मास, और एट एनी पॉइंट इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो. समझ में आया? So these are the things that we discuss. Okay. So कल actual में तुम्हारा rotational motion का पहला article start होगा. अभी जितने चीजें मैं पढ़ाया हूँ तुम्हें आज rotational motion के starting में, ये book में definition है नहीं है, I don't know, है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने start ही rotational motion से ही किया, moment of inertia से, ठीक है? But these are the important terms. Okay. You can collect the data from net also. You can other collect the data from other book also. Getting my point? Is that clear? Yes. So that's it for the day. आज को हमारा बहुत काम है तुमको. वही है. बस देखा जाए तो बहुत है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो चीजें नहीं तो करेक्ट करना पड़ेगा. And be ready for your surprise test. समझे क्या?